अभी की सबसे बड़ी खबर है, बता दें कि नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा है। आपको बता दें एनटीए दो हफ्तों के अंदर अपना पक्ष रखे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामले की अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए दो हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा है। आपको बता दें एनटीए दो हफ्तों के अंदर अपना पक्ष रखे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामले की अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए दो हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है।